46 डिग्री पर तप रहे राजस्थान में एक स्थान ऐसा भी है जहां एक संत अग्नि तप कर रहे हैं। करीब 41 दिन चलने वाले इस तप के पहले दिन ये संत 13 जलते कंडों के बीच भरी दोपहर में तप करने बैठे। हर दिन तप के दौरान 5 कंडे बढ़ा दिए जाएंगे। तप के आखिरी दिन ये संत 9000 कंडों के बीच तप करेंगे। जिसकी भी जानकारी में ये मामला आया, उस संत के दर्शनों के लिए इस तपोस्थली तक पहुंच रहा है। भीषण गर्मी में कई सारे अलर्ट के बीच इस तरह का तप देखकर हर कोई हैरान है। यहाँ पहुंचकर लोग श्रद्धा से इन संत को नमन कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान को संतों की तपोभूमि कहा जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण है दौसा जिले का हिंगवा गांव, जहां नाथ संप्रदाय का प्राचीन सिद्धपीठ आश्रम स्थापित है। यहां विश्व जन कल्याण के लिए हर वर्ष अग्नि तपस्या की जाती है। इस आश्रम के पीछे कई रहस्य भी छुपे हैं, जिसके चलते इस स्थान को नाथ संप्रदाय की राजस्थान की सबसे बड़ी गद्दी के रूप में भी जाना जाता है। इस प्राचीन आश्रम की स्थापना सैकड़ों वर्ष पहले थल्लाथ बाबा ने की थी। नाथ संप्रदाय के 41वें महंत लक्ष्मण नाथ 40 साल से प्राचीन सिद्धपीठ आश्रम का संचालन कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पर देश भर से श्रद्धालु हिंगवा आश्रम पहुंचकर नाथ संप्रदाय के महंत का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहीं जिले के हिंगवा में स्थित नाथ संप्रदाय के प्रमुख धार्मिक स्थल पर महंत लक्ष्मण नाथ के शिष्य संत विजयदास महाराज इस भीषण गर्मी के बीच अग्नि तपस्या कर रहे हैं। एक ओर जहां राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर तापमान 46 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे में संत विजयदास विश्व जन कल्याण के लिए अग्नि के बीच में बैठकर तप कर रहे हैं। इस तप के लिए उनके चारों तरफ 9 धुनी बनाई गई हैं। हर धुनी में 13 कंडे लगाए गए हैं। तप कर रहे संत विजयदास महाराज के गुरु और सिद्धपीठ आश्रम के महंत संत लक्ष्मण दास ने बताया कि संत विजयदास महाराज 6वीं बार ये तप कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने 5 धुनियों के बीच तपस्या की थी, लेकिन इस बार 9 धुनियों के बीच ये तपस्या की जा रही है। 16 मई से शुरू किया गया अग्नि तप 41 दिन चलेगा। हर रोज यहाँ दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक अग्नि तपस्या की जाएगी। हर दिन प्रत्येक धुनी में 5 कंडे बढ़ाए जाएंगे। हिंगवा आश्रम के महंत लक्ष्मण दास ने बताया कि तपस्या के आखिरी दिन 25 जून को तपोभूमि स्थल पर 1000 कंडों से 9 जगह धुनी बनाई जाएगी। ऐसे में भीषण गर्मी के बीच 9000 कंडों में एक साथ अग्नि प्रज्वलित कर उनके बीच संत विजयदास महाराज द्वारा अग्नि तप किया जाएगा। ऐसे में इस भीषण गर्मी के बीच अग्नि तप करने की चर्चा पूरे जिले और आसपास के क्षेत्र में जोर शोर से चल रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग हिंगवा धाम में स्थित सिद्धपीठ आश्रम पहुंच रहे हैं। महंत लक्ष्मणनाथ और चेला विजयनाथ नाथ संप्रदाय आसन गद्दी हिंगवा और ये जन कल्याण के लिए तपस्या की जा रही है। तरवर सरवर संत जन तोस्तो वर्ष भे परमार्थ के कारण इन धारी थे, तो ये सब जल कल्याण के लिए परमार्थ के लिए तपस्या की जा रही है। इनका 41 दिन चलेगी। इनका समय है 11 से और 3 बजे तक चलेगा। इनके अब पहले तो पंच धुनी चली थी, 5 साल पंच धुनी चली और अब 9वीं धुनी चल गई। अब 9 धुनी लगाई जा रही है। हाँ, कंडे बढ़ाए जाते हैं, लास्ट में तो कम से कम 1000 हो जाए, 1000 हो जाएंगे आराम से। यहाँ के आस्था तो जैसे भोलेनाथ बाबा है, भैरव बाबा है, गुरु गोरक्षनाथ जी हैं और ज़्यादातर सिद्धों का स्थल है, ये सिद्ध स्थल है। यहाँ तो सिद्धों ने तपस्या की हुई है, तपस्थली है सिद्धों की। करीब 41वीं पीढ़ी है हमारी, 41 पीढ़ी चल रही है और 12 से 11 वर्ष तो मान लो इसको। ये रथ का ऐसा दे रखा है इसमें कि जयपुर जो बाबा गए थे हमारे, जयपुर के ये क्या है कि गुरु थे, जयपुर दरबार के गुरु थे, तो जयपुर बाबा गए तो किसी घाते के पास बैठ गए, तो रथ बनने आ, बोल बेटा ये क्या है, बोल बाबा रथ बनने आए। तो बोले रथ कैसे बनने आए, तो खाती मजाक करने लगे, बोल बाबा आप ले जाओ।
बोल बैल, बोल बाबा बैल तुम्हारे पास में नहीं है। तो बाबा सिद्ध थे, उस रथ में बैठ गए और रथ चल दिया। तो यहाँ से चला रथ वहाँ से जयपुर से, तो सिकंदरा आके रुका। तो सिकंदरा भी अपनी जमीन है, राजाओं ने काटी थी। उसके बाद में हिंगवा आके रुका, तो हिंगवा भी जमीन है। बाबा का नाम तल्ला था, जिनके द्वारा ये रथ यहाँ आया गया। जिनके द्वारा रथ आया था वो तो बाबा केशवनाथ जी थे। शुरुआत में थल्लाथ बाबा हुए थे, उसके बाद में बाबा सुजाननाथ हुए थे। अब ऐसे करके बाबा सोमवारनाथ हुए थे, बाबा बद्रीनाथ हुए थे। 41 पीढ़ी हो गई, मतलब अब 41 पीढ़ियों के नाम भी नहीं जान सकते। हिंगवा गद्दी के बारे में बात करें तो यहाँ ऐसा साल में ऐसा कौन सा दिन है जिसका विशेष महत्व होता है? हाँ, साल में विशेष महत्व हमारे गुरु पूर्णिमा को दिया जाता है। क्या महत्वता है उस दिन की? गुरु पूर्णिमा को मतलब गुरु पूजा होती है, 12 महीने में गुरु पूजा होती है। तो गुरु के आकर के चरण छेदते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं और काफ़ी मतलब खूब 30-35 मन आटा उठ जाता है। लगभग कितने लोग आते होंगे लगभग यहाँ उस दिन? और 25-30 हज़ार तो मान लो।